सुषमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की भिंडी गोश्त बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ पंजाब स्टाइल का भिंडी गोश्त, बहुत ही टेस्टी और यमी, जल्दी से बन के रेडी होने वाला, बड़े मज़े का बनता है। कैसे बनाती हूँ भिंडी गोश्त? 1 किलो के करीब मैंने चिकन ले लिया है। चिकन को मैंने लेग वाला हिस्सा लिया है और थाई वाला लिया है, ये दोनों मैंने चिकन के डाल दिए। और भिंडी ली है तकरीबन 1 किलो के करीब, भिंडी पूरी 1 किलो के करीब ली है। और इसको मैंने धोने का और वॉश करने का तरीका भी मैंने दिया हुआ है आपको, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 3 बड़े साइज़ के और लहसुन छीला हुआ ले लिया मैंने, लहसुन का 1 पूरा जवा छीला हुआ ले लिया है। गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। इसको हमने 1 कप डालना है इसके अंदर ऑयल। बिस्मिल्लाह, 1 कप हमने ऑयल डाल दिया और गोश्त को हम कर लेंगे गोल्डन। और प्याज को और लहसुन को हम करके लेके आएंगे ब्लेंड, ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लेंगे और फिर लेके अच्छे से जो है गोल्डन कर लेना है। जैसे ही हमारा चिकन गोल्डन हो जाएगा हमने इसमें लहसुन अदरक और प्याज वाली प्यूरी डाल देंगे। इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून हल्दी का, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक भर के या टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें। 2 अदर टमाटर लूँगी, उसको भी मैं प्यूरी बना के इसमें डालूँगी। ये देखिए मसाला हमने डाल दिया है सारे। अब इसमें टमाटर 2 अदर लिए, वो उसका भी पेस्ट मैंने डाल दिया, ठीक है। इसको पकने देंगे ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए और मसाला भी भून जाए। वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं और इसके अंदर, और चिकन हमारा पक रहा है मसाले वाला, और इसके अंदर हम 1/2 कप ऑयल का डालेंगे, ज़्यादा नहीं बस 1/2 कप। गोल्डन कर लेंगे, ये देखें गोल्डन इस तरीके की। जब भिंडी हो जाएगी तो हम गोश्त की तरफ चलेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जैसे मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया, इसमें 4 से 5 दाने हम इमली के डाल देंगे और इसको हम देखें अच्छे से भूनना है हमें इसको। जैसे ही ऑयल आ जाएगा इसका, फिर हम इसको भिंडियों में शामिल करेंगे। ये देखें गोश्त का मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे भिंडियों में। बिस्मिल्लाह, बहुत ही ईजी और टेस्टी है, जल्दी से बनने वाला है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया हमारा भिंडी गोश्त का, और ये खाने में इतनी लजीज है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी भिंडी बनती है इस तरीके से, और जल्दी से भी रेडी हो जाती है। साथ ही हमारा चिकन भी हो गया, साथ ही प्याज भी हो गया, और भिंडियाँ भी साथ ही हमारी हो गई। क्या हो गया? भिंडी गोश्त बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट हमारा रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।